तुम ही हो, अभी तुम ही हो, हवन करेंगे हवन करेंगे। भाई लोग वीडियो देखते हैं सारी, सबको भाई थैंक यू। सबसे तगड़ा मसाला आने वाला है तो उसी का थोड़ा शेयरिंग कर। यार इधर लिखा हुआ है कड़क, हमारी चाय यहाँ पर आ चुकी है ठंडी ठंडी एकदम। तो ये देख सकते हो सामने डेकोरेटिंग है कंटिन्यू, चलने वाले हैं कुछ सदर साइड, कुछ पियेंगे खाएंगे। लेट लग के आ चुकी है और संजू का व्रत है आज। वाह, सब कुछ तेरे अंदर है, कोई जादू न कोई मंत्र है। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज योर रवि, गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस आज का व्लॉग होने वाला है स्टार्ट रात में, और रात के बज चुके हैं साढ़े सात या साढ़े सात, और मैं खड़ा हूँ संजू घर के बाहर, और ये रही हमारी ईवा, और हम लोग जाने वाले हैं अपना झांसी। और संजू गए अपने घर पे थोड़ा चेंज करने कपड़े, तो वो आता है और मैं जस्ट कर रहा हूँ वेट। जैसे वो आएगा उस पर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे सीधा झांसी की तरफ, कुछ काम है हमें और एक बंदे से मीटिंग में थोड़ी। आप तो वही हो ना, वो इंस्टाग्राम पे जो वो वीडियो बनाते हो, हाँ देखते हो, बेहतर बोल जाएगा। लाइक कमेंट शेयर कर दें, शर्म आती है। शर्म आती क्यों? अच्छा नहीं लगता, कपड़े तो पहने हो, शर्म किस बात की आ रही? आप अरे चुप क्यों रहे? मैं चारी पेटी का, चारी पेटी तो मिली। कौन सी पेटी? आप ही बोले थे। अच्छा वजन के हिसाब से? हाँ। तो गाइस जैसा कि मैंने बताया मेरे पास बहुत पैसा है, पैसे में अंधा हो चुका हूँ, मैं सबको खरीद लूंगा। तो भाई को मैंने दिए 40 पेटी, बहुत पैसा मैंने दान कर दिया, इसको भी दे दिया है। मेरे पास बहुत पैसा, पैसे में अंधा हो चुका हूँ, मैंने जस्ट हेडफोन खरीद लिया भाई से, इसको मैंने 10,000 रुपए दे दिए हैं। छिप रही, मैंने सस्ते से हेडफोन के 10,000 रुपए दे दिए। सस्ते सस्ते हेडफोन लेते हैं तो ब्लॉग में कहीं तू बने रही। संजू सीधा रेडी फेडी होकर आ चुका है, और ईवा हो रही स्टार्ट, सीधा हम यहाँ से निकलने वाले क्योंकि लेट हो चुके हैं काफी ज्यादा, और जिससे हमारी मीटिंग में बंदा वहाँ पहुँच चुका है। तो चलिए कंटिन्यू बने रही। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अवध फूड पे सामने, और मेरे कुछ भाई लोग मिल चुके हैं। भाई हाय बोले जरा कैमरे में। भाई लोग वीडियो देखते हैं सारी, सबको भाई थैंक यू सबसे दिल से यार, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करो ज़्यादा, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे झांसी के बंदा उतना ही आगे निकलेगा ना। सो गाइस जो बंदा हमें मिलने वाले थे और हमारे भाई से हाय, बढ़िया इंट्रोडक्शन दीजिए भाई थोड़ा अपना। मेरा नाम शम रायकवार है, मैं झांसी से हूँ और अभी भाई का दोस्त हूँ, जो कि ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू भाई, आप भी देखें और यकीन माने बहुत ही मेहनत करते हैं ये। बाकी का लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो भाई फर्स्ट बार हमारा मीटिंग है, मतलब भाई के साथ कुछ होने वाली है, कुछ तगड़ा मसाला आने वाला है, तो उसी का थोड़ा शेयरिंग करने आए, मतलब कुछ शॉर्ट आउट तो करके हम लोग आप लोग को बता दें। तो गाइस सदर में तो कर रही डेकोरेटिंग चल रही, बोले तो खतरनाक, क्योंकि नौ देवी आने वाली है ना। तो ये देख सकते हो सामने डेकोरेटिंग है कंटिन्यू, माता रानी का आगमन होने वाला है, तो उनका स्वागत की तैयारियां चल रही है इधर पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपना सीधा चाय सुट्टा बार, यहाँ पर बैठ के थोड़ी वार्तालाप और बातचीत होगी, तो सीधा चलिए अंदर एंटर करते हैं। तो गाइस हम लोग सीधा आ चुके हैं अपने अंदर, और यहाँ पर शोर शराब हो रहा है, वो ज्यादा ही देख सकते हो। तो यार इधर लिखा हुआ है कड़क, लेकिन माहौल से कुछ पता नहीं चल रहा है। सो गाइस हम लोग यहाँ से चलने वाले हैं वापस, क्योंकि यहाँ पर शोर शराबर हो रहा था बहुत ही ज्यादा, और भाई ने सोचा था शांति में जाएंगे, लेकिन यहाँ तो अशांति अशांति, तो आगे पास में चलेंगे अब सीधा। सो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं सीधा वहाँ से अपना पब्लिक पार्क के सामने, देख सकते हो पब्लिक पार्क पे, यहाँ पर ही करेंगे अपन वार्तालाप। जो यहाँ की खूबसूरती है वो और पार्कों से मिली जुली है थोड़ी थोड़ी, बढ़िया। मैं यहाँ पर सेकंड बार आया हूँ, फर्स्ट टाइम आया था बहुत पहले, ब्लॉग में देख लेना आप। ओके अंधेरा ज्यादा, फेस ज्यादा उजाला देते नहीं है। तो गाइस ये हमारी सीट्स, और यहाँ पर बैठ के हम लोग करेंगे कुछ बातचीत। अभी हम लोग आए बिल्कुल शांति और सुकून वाली जगह। भाई अभी यहाँ पर कैसा फील हो रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है, उधर थोड़ा शोर शराबा जाता था है ना, कुछ ज्यादा ही था। तो अभी थोड़ा काम की बात कर लेते हैं ना, फिर आपको शेयर भी करेंगे साथ में। सो गाइस यहाँ से हमारी बातचीत सारी खत्म हो चुकी है, और टाइम भी हो चुका काफी ज्यादा, एक आधा घंटा हो गया होगा ना अपने साथ आराम से। तो आप सीधे चलने वाले हैं कुछ सदर साइड, कुछ पियेंगे खाएंगे। क्या हो गया? अरे दिख रहा मुझे तो भाई, संजू घबरा गया था, मैं ठोकर आ जाऊँ गाड़ी से, इतना दिख रहा। तो यहाँ से चलने वाले हैं थोड़ा आगे। तो भाई वहाँ से सीधे आने के बाद अभी हम लोग आ चुके अपने टिंग टोंग मोमोज के पास, यहाँ से थोड़े बाद मोमोज खाएंगे, और पेट में जो हलचल हो रही है क्यों, क्या है? कुछ नहीं, भूख लग रही है ना भाई, बहुत तेज लग रही है। हाँ तो यार भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और भाई यार बताया नहीं मैंने, आर्टिस्ट बहुत बड़े, एक शायरी अभी सुना दोगे? आवाज आ जाएगी, सुना शायरी सुना दो बढ़िया सी। सब कुछ तेरे अंदर है, वाह, कोई जादू ना कोई मंत्र है, वाह, सब कुछ तेरे अंदर है, कोई जादू ना कोई मंत्र है, क्यों डरता है तू छोटी छोटी नदियों से, खुद में झांक तो पूरा समुंदर है। वाह भाई वाह यार, बहुत मस्त यार, कसम से सीरियस बहुत मस्त यार, मोटिवेशन वाली शायरी, बहुत ही अच्छी शायरी सुनाई है कि ये सभी को रिलेट करेगी। तो
कदर है भाई आपकी टैलेंट का। टैलेंट का नहीं, और इस ब्लॉग के थ्रू जो लोग करने का सोच रहे हैं ना, तो वो लोग कर सकते हैं, बिकॉज़ समुंदर है आपके अंदर, समझ गए। यू कैन डू एवरीथिंग। सो गाइस, हमारी प्लेट लग के आ चुकी है और संजू का व्रत है आज, और भाई और मैं तो खाऊंगा भाई। आज वो है ना करवा चौथ, डे बताना जरा। अरे डे नहीं होगा पता। अरे वो है आज गुरुवार, गुरुवार है आज। हाँ, गुरुवार को किस चीज का व्रत होता है? तो आपने साईं बाबा का। तो मतलब मैं किस चीज का व्रत रखूंगा? तुम साईं बाबा का व्रत हो ना, दोनों मन्नत मांगी बीवी के लिए लंबी हाइट वाली। हाँ तो वही संजू ने मन्नत मांगी थी लंबी हाइट की, करेंगे बाद में, पहले अपने खाने पर फोकस करते हैं। तो गाइस, हाँ जैसा कि आपको पता है, बहुत बड़ा सिंगर हूँ और घमंड आ चुका है मुझे सिंगिंग का, और बहुत तगड़ा गाना गा दूंगा, ये देख सकते हो। तुम पकड़े गलत तरीके से हो, गाना सुनो तुम वाले, ठीक है ना? गला खोल के हमारी चाय यहाँ पर आ चुकी है ठंडी ठंडी एकदम, ये देख सकते हो। मेरा हाँ भाई, हमारे भाई गाना गा के बताएंगे। हाँ आइए जरा, ये यो क्या करेंगे भाई? हवन करेंगे वो ना रहा है। अरे आने तो बहुत पैसा है, आती रहती छोटे मोटे फोन। तो घर पहले चाय पी लेंगे यार। तो इस चाय पी के हम लोग सीधा यहाँ से निकलने वाले अपने घर पे वापस, क्योंकि लेट हम लोग आज कुछ ज्यादा ही हो चुके हैं। भाई लोग को फोन कर, कुछ बंदे घुस गए हैं हमारी। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। वो उठा रहे हैं। तो अब यहाँ से निकलने वाले अपने घर की ओर, क्योंकि लेट हो गए हैं कुछ ज्यादा ही। और वो सामने देख सकते हो जेसीबी मैंने खरीद ली, बहुत पैसा है मेरे पास। हाँ भाई बोल के जाऊँ ब्लॉग में यार। सो गाइस, मैं आ चुका अपने घर पे वापस, और मैं जैसे घर आया हूँ तो संजू भाई आपको बाय बोलेंगे। संजू भाई बाय बोलो। सो बाय गाइस। हाँ तो आपको ब्लॉग कैसा लगा अंदर आके बताना आप, ठीक है? ओके। सो गाइस, आ चुका हूँ अपने घर पे वापस और अपने रूम में। तो हम लोग आज जो गए थे काम से गए थे बहुत ही, क्या है कि मैं सोच रहा हूँ अभी अपना एक गाना लॉन्च किया जाए खुद का, वो भी एक बहुत बड़ा और तहलका वाला। तो वो हमारे भाई जिससे मिले थे, वो एक आर्टिस्ट है, मतलब सिंगर हैं, राइटर हैं। तो भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा, और अभी हम लोगों ने कुछ प्लान किए गाने की, थोड़ा मतलब अभी बातचीत चल रही है उसकी। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अपना गाना लॉन्च किया जाए बहुत ही अच्छा। तो आप लोग के प्यार और सपोर्ट से थोड़ा मुझे और ग्रो करो आप लोग। तो हम सोच रहे हैं यहाँ तो अपने 50,000 पे एक तगड़ा गाना लॉन्च होने वाला है गाइस। 50,000 सब्सक्राइबर पे हमारा एक गाना लॉन्च होगा, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, 50,000 1,00,000 मतलब गाना लॉन्च होगा हमारा, बहुत ही जल्द होगा ये बता रहा हूँ। तो इतना ही था हमारे ब्लॉग में आज के। बाकी जो प्रैंक वीडियो देखी आप लोगों ने, नहीं सॉरी कल, आज तो ये ब्लॉग डालेगा तो मतलब कल हो जाएगा, कल जो मैंने डाली वो देखी थी तो कमेंट में बता देना, यस कर देना हाँ देखी थी भाई। और आपको किस सॉन्ग पर वीडियो चाहिए, प्रैंक वीडियो, और कैसा प्रैंक चाहिए मुझे कमेंट में बता दिया करो, ताकि मुझे पता चले पब्लिक को क्या चाहिए। और ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो ना, प्लीज़ यार एक लाइक करके जाना, भाई बहुत मेहनत करता है तुम्हारे लिए, और कमेंट कर देना। और प्लीज़ यार ये रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दिया करो हर जगह, प्लीज़ शेयर कर दिया करो। तो ऐसे सपोर्ट आप लोग बनाए रखें और बना ही रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय।